इन दिनों ट्रेनों के जरिए अवैध मादक पदार्थों, नकली खोया पनीर सहित सोना चांदी का काला व्यापार करने के मामले में काफी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में ग्वालियर के आरपीएफ ने ट्रेन की सर्चिंग के दौरान लाखों की कीमत की चांदी को जब्त किया। वहीं मौके से एक आरोपी को हिरासत में लेते हुए जीएसटी विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। आपको बता दें कि ट्रेनों के जरिए सोना चांदी, नकदी और अवैध मादक पदार्थों, ब्लैक मार्केटिंग और आवागमन के काले नेटवर्क को खत्म करने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स लगातार सर्चिंग अभियान चला रही है। इसी दौरान ग्वालियर आरपीएफ ने ग्वालियर से मुरैना के बीच उत्कल कलिंगा एक्सप्रेस में एक व्यक्ति को लाखों कीमत की 7 किलो 310 ग्राम बजनी चांदी के गहनों के साथ पकड़ा। साथ ही पूछताछ में मौके पर चांदी के गहनों के संबंध में कोई बिल प्रस्तुत नहीं कर सका। ऐसे में मामले पर तत्काल एक्शन लेते हुए जीएसटी विभाग को सूचना दी गई। वहीं पकड़े गए आरोपी की पहचान नीरज गोयल आगरा के रूप में हुई है। फिलहाल आगे की जाँच शुरू कर दी गयी है। कर रही थी तो एक आदमी संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। पूछताछ करने पर उसके पास जो है उसने बताया कि चांदी है जिसका उसके पास बिल नहीं है, इसलिए वो घबरा रहा था। तो उसने बताया कि उसके पास लगभग 7 किलो 300 ग्राम चांदी है, आगरा का निवासी है वो। तो उस व्यक्ति को आरपीएफ पोस्ट ग्वालियर पर लेकर आए, वह अपने प्रभारी निदेशक महोदय को बताया, कार्रवाई की, वह जीएसटी विभाग संपर्क किया, जीएसटी विभाग को चांदी अग्रिम कार्रवाई हेतु